गुड मॉर्निंग। अब हम चल रहे हैं चना का दाल का सब्जी बनाने, और इसको पीसेंगे। लहसुन प्याज पड़ेगा, पीसने के बाद जब बनाने चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमारा ये पिसा चुका है, इसमें जीरा मरचा और आदि सब मतलब इसमें पड़ गया है। इसको जा रहे हैं रखने, थोड़ा गीला है, फ्रिज में रखेंगे थोड़ा टाइट होने के लिए। टाइट हो जाएगा तो फिर इसके बाद बनाएंगे। ये खाने वाला है दोस्तों, रिफाइंड वाला, ये तेल वाला है सब्जी के लिए। आप लोग को खाना है दोस्तों तो आकर पकौड़ी और चा कर लीजिए। दोस्तों चने की पकौड़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत फुलफुलापन लगता है, और इसका सब्जी भी बहुत टेस्टी बनता है। अभी दोस्तों इतना दिखा दिया है, बाकी बनाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे इसकी सब्जी कैसी बनती है। दोस्तों देखिए कढ़ाई में तेल पड़ गया है, तेल गर्म हो गया है, इसमें जीरा तेजपत्ता डाल दी है। दोस्तों ये बोलने में थोड़ा संकोचाती हैं इसलिए मैं इनकी हेल्प कर देता हूं। देखिए तेज़पत्ता भी पड़ गया है और लहसुन प्याज का पेस्ट और मसाला रखा हुआ है, तो आगे ये बताएंगी। चुका है, अब चाह रहे हैं उसमें प्याज डालने। प्याज पहले से ही भुजा हुआ था, इसको 15-20 मिनट भूजेंगे। भूजने के बाद फिर इसे पानी में डालेंगे। पंद्रह बीस मिनट पकने के बाद तब उसमें पकौड़ी पड़ेगा। देखिए दोस्तों जूस पक गया है, अब इसमें जा रहे हैं पकौड़ी डालने। देखिए दोस्तों इसको डालने के बाद थोड़ा पका देंगे, पकाने के बाद तब। वाओ यम्मी यम्मी। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया चने के दाल की पकौड़ियों का अनोखी सब्जी बना है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है सब्जी। देखिए देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया सब्जी बनाई है हमारी वाइफ, चने की दाल की ये सब्जी है। तो ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।